यहाँ जो मोशन हो रहा है स्टूडेंट्स, वो कौन सा मोशन था? फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे अर्थ जो फोर्स लगाता है उसके कारण उनका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है। एक्सेलरेशन जो अर्थ अप्लाई करता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको याद रखना, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज द एक्सेलरेशन। ओके, सो यूनिट इज SI यूनिट ऑफ g इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल g। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट दिस डिराइवेशन। ओके, सो वॉट इज ME? हियर वी टेक अ एम एंड द सबस्क्रिप्ट इट इज अ ई। ओके, इट इज इंडिकेट मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। ओके डियर स्टूडेंट, एंड स्मॉल m रिप्रेजेंट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट, एंड r दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। ओके, हियर वी टेक अ टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट इज अर्थ, सेकेंड इज एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्टोन। ओके, दिस इज अर्थ एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज द स्टोन। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी टेक अ स्टोन। नाउ नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टोन दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, बिकॉज दिस स्टोन इज प्लेस्ड एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन दैम इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। ओके, एंड स्मॉल g इज ऑलवेज रिप्रेजेंट acceleration due to gravity. Okay, acceleration due to gravity. Okay dear students, now we draw a diagram for this small derivation. This is the earth. This is the center of the earth. Okay, now a stone is placed at the surface of the earth. Here distance will be radius of the earth. Okay dear student, and mass of this stone is small m and mass of this earth is ME. Okay dear student, so let an object be on or near to the surface of the earth. Okay, then distance between object and earth is the radius of the earth. Okay dear student, now we start derivation according to second law of motion. I am talking about second law of motion. Okay, it is a Newton's second law of motion. What is Newton's second law of motion? आपको पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फोर्स आपकी माँ है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है या ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके डियर स्टूडेंट, हियर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है आपको पता है? F इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ,
एंड मास ऑफ स्टोन अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर टू. ये फोर्स जो है वो अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहा है और ये फोर्स भी जो है वो भी इस पे अप्लाई हो रहा है. नाउ बोथ आर फोर्स, इट इज ऑल्सो फोर्स दैट इज डिनोटेड बाई इक्वेशन नंबर टू एंड फर्स्ट इक्वेशन इज ऑल्सो रिप्रेजेंट अ फोर्स. सो नाउ वी कंपेयर द फोर्स. सो वी गेट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू. नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन वन एंड टू, नाउ वी गेट एम जी. ओके, बोलो कहाँ से एम जी, कहाँ से आई है? अब मैं आपको क्लियर करती हूँ. कैपिटल जी, हमारा मेन एम क्या है? रिलेशन फाइंड करना है स्मॉल जी और कैपिटल जी में. ओके डियर स्टूडेंट, सो ये कौन सा मोशन है? फ्री फॉल. यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा अप्लाई होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो हियर वी विल राइट एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके डियर स्टूडेंट, सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन वन एंड टू, वी गेट एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ स्टोन अपॉन आर स्क्वायर. स्मॉल एम टू स्मॉल एम कैंसिल एंड वी गेट स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट जी इज डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ एंड जी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ. अब आप ये देखो, तीनों टर्म्स, तीनों फिजिकल क्वांटिटी वो कॉन्स्टेंट है. इसका मतलब ये स्मॉल जी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. ओके, जी इज डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके डियर स्टूडेंट, ये तीनों कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, तो ये स्मॉल जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट. नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ जी. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि राइट द फैक्टर्स ऑन विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मीन्स स्मॉल जी डिपेंड्स, सो यू विल राइट द जी डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके डियर स्टूडेंट, so now we discuss on the next topic, that is now calculation of small g.